नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अम्बा, चंबल की अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र चौहान के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक अरविंद ठाकुर के मार्गदर्शन में अम्बा एसडीओपी रवि भदौरिया के नेतृत्व में अम्बा टीआई आलोक परियार ने अपनी टीम के साथ आज सुबह इलाके में भ्रमण के दौरान बरवाई गांव की नहर की पटरी पर एक नीले रंग का सोनालिका 745 ट्रैक्टर अवैध रेत का परिवहन करते हुए जाता दिखा, जिसका पुलिस टीम ने पीछा किया। ड्राइवर को ट्रैक्टर को रोकने के लिए आवाज लगाई, जिससे वह ट्रैक्टर भगाने लगा। जब फोर्स की मदद से घेराबंदी कर ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया गया, थोड़ी दूर जाकर नहर के किनारे ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। फोर्स ने ड्राइवर का पीछा किया, लेकिन वह चंबल के भरी गांव में कहीं छिप गया। काफी तलाश करने पर नहीं मिला, तब उक्त ट्रैक्टर को पुलिस फोर्स द्वारा अम्बा थाने में जब्त कर लिया गया और अज्ञात आरोपी चालक के खिलाफ धारा 279 414 18 1 मध्य प्रदेश खनिज अधिनियम 2006 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्रवाई में अम्बा थाना प्रभारी आलोक परिहार के साथ एसआई पंकज यादव, एसआई मनोज परदिया, आरक्षक सत्येंद्र गुर्जर, जोगेंद्र भदौरिया, राहुल सिंगर, चालक धर्मेंद्र परमार की अहम भूमिका रही। हाँ, अभी हमने एक सुबह ट्रैक्टर पकड़ा है सोनाली का, बरवाई गांव के नहर के पास से अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहा था, जिस पर भी हमने प्रकरण बनी थी। रोड से परिवहन कर रहा था, नहर के किनारे जो रोड बनी हुई है उससे परिवहन कर रहा था, वहाँ से हमने। अम्बा से खबर समय जगत की ओमकार कुर्चर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।